बैटरी ऑफ मोटरसाइकिल आर चार्ज, मतलब मोटरसाइकिल में जो बैटरी होती है वो चार्ज कैसे होती है, उसका सिस्टम कैसा होता है? सो मोटरसाइकिल मतलब जितने भी मोटरसाइकिल है और इंक्लूडिंग मोटरसाइकिल्स, उसके बाद में बसेस, कार, उसमें आपको मतलब जितने भी मोटरसाइकिल होती है, गाड़ियां होती है, उसमें एक अल्टरनेटर लगा होता है गाड़ी में। तो अल्टरनेटर में उसमें एक इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग कॉइल लगी हुई रहती है, एक कॉइल होती है जो वाइंडिंग होती है, वो इलेक्ट्रिकल की कॉइल आप उसको बोल सकते हैं। सो वाइंडिंग वाली जब आप वो रोटेट होती है, घूमती है, मतलब जब इंजन शुरू होता है आपके गाड़ी का, तब तो वो घूमती रहती है कॉइल, तो कॉइल घूमती रहती है, तो उसके बाद में वो वोल्टेज प्रोड्यूस करती है और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, मतलब करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। सो उसी के हिसाब से आपकी बैटरी चार्ज होती है। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब सिंपल सा ही है कि एक कॉइल होती है वाइंडिंग वाली, और इंजन शुरू होने के बाद में वो घूमती रहती है, और घूमने के बाद में वोल्टेज प्रोड्यूस करती है और कुछ करंट प्रोड्यूस करती है, तो उसके जरिए ही आपकी बैटरी चार्ज होती है, और वो जब बंद होती है, सब आपकी गाड़ी बंद रहती है तो चार्ज नहीं होती। सो इसलिए आपको देखा होगा कि जब भी आपकी गाड़ी मतलब काफी दिन एक जगह पे खड़ी होती है, और मान लीजिए कि आप किक से स्टार्ट करते हैं या फिर सेल्फ से स्टार्ट करते हो, स्टार्ट नहीं होती ठंडी के सीजन में, बरसात के सीजन में आपको ये मैक्सिमम देखने को मिलता है, क्योंकि वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है, रात भर में ठंडी हो जाती है। सो इसी के वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। और जब आप कंटिन्यू शुरू करते हैं, सब ये शुरू होता है, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो बैटरी डिस्चार्ज होने का काम करता है, जब आपकी गाड़ी बंद रहती है तब डिस्चार्ज हो जाती है, और जब आप अपनी गाड़ी शुरू करती है, सो कॉइल की वजह से ही आपकी बैटरी चार्ज होती है। सो यही एक फंडा रहता है बैटरियों में, मतलब गाड़ियों में, आपकी गाड़ी शुरू होती है तब ये चार्जिंग चलता रहता है जो अल्टरनेटर की वजह से, और जब गाड़ी बंद होती है तब वो आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, मतलब बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होने का काम आपकी गाड़ी में ही होता है, चार्ज का काम अल्टरनेटर में होता है। सो इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।